हैं। तो वो महात्मा आए और आके बैठ गए। तो उनके पास 5 रुपए थे। तो बोले मैं पाऊंगा नहीं। तो श्री जी आई, बोले कि बाबा या तो इन पैसों का लाके कुछ खा लो, नहीं तो इन पैसों को फेंक दो। स्वयं श्री जी श्री आए जी ने बालिका के रूप में श्री जी आई। बाल रूप में, सभी भक्तों को राधे 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 श्याम। जैसा कि हम नित्य प्रति आपको संतों के भाव सुनाते हैं, संतों के वो भाव हम आपको सुनाते हैं जो साक्षात श्री जी उनके ऊपर कृपा करती है। श्री जी जो लीलाएं करती हैं, जो अनुभव कराती हैं संतों को, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह हमारी संतों की माला में आज हम आ चुके हैं बिस्वान कुंड। बिस्वान कुंड, जहाँ बिस्वान बाबा यहाँ रहते थे, वहीं हम ऐसे संत के पास में आए हैं जिनसे हम श्री जी की लीलाएं और बाबा के जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ वीडियो में बताएंगे। आपसे भी जुड़े रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं बाबा से और बाबा के बारे में जानते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो राधे राधे, दंडवत प्रणाम, और हमारे सभी भक्तों की तरफ से आपको दंड। महाराज जी, आपका शुभ नाम हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुखदेव आचार्य। सुखदेव आचार्य जी, तो बाबा बरसाना कितने वर्षों से रह रहे हैं? वैसे ब्रज में हम 2011 से रह रहे हैं। 2011 से आए, तो ब्रज में आने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? ब्रज में पहले हम गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने हमको यहाँ ब्रज में भेज दिया। मूल तो है कि श्री जी की कृपा, वो बुलाना चाहती थी, निमित्त बनाया किसी को, जी बिल्कुल। और निमित्त बना के उन्होंने यहाँ बुला लिया। अच्छा, तो बाबा ऐसा क्या जीवन में रहा जो बरसाना धाम ही मिला? क्योंकि बरसाना हर किसी को नहीं मिलता। बरसाने की आस को आस करें सब शेष, और या की महिमा को कहे या कृष्ण धरे सखी वेश। स्वयं कृष्ण भगवान बरसाने की आस करते हैं, लेकिन बरसाना ही क्यों चुना? क्या कृपा थी श्री जी की? बच्चा कोई गलती करता है, गलती हो जाती है तो देखते हैं कोई बाप डांटेगा बिल्कुल, तो माँ की ओर दौड़ता है और माँ की गोदी में बैठ जाता है। माँ की गोदी में बैठने के बाद बाप को अंगूठा दिखा देता है। तो ऐसे ही श्री जी भगवान का जो करुणा है, भगवान की करुणा ही श्री जी है। तो श्री जी जीव का दोष नहीं देखती, बोली ये कैसा है कि कैसा नहीं है। कोई श्री जी की शरण में आ जाता है तो फिर भगवान उसको ये नहीं कह सकते, ठाकुर जी बोले अरे ये पापी है पुण्यात्मा, भगवान ये नहीं। श्री जी की शरण में आ गया। वैसे तो दोनों कहने के दो हैं, एक ही है, लेकिन फिर भी भगवान की करुणा शक्ति जो श्री जी में विशेष है, इसलिए श्री जी का आश्रय। और बिना श्री जी की कृपा, बिना उनके आश्रय कोई भी जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। बाबा आपका जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान राजस्थान बीकानेर। बीकानेर से। तो बाबा, अपने घर से यह सब कुछ संत जीवन में आना क्या था? कोई वजह थी या फिर संतों का सानिध्य था? क्या मूल कारण था? मूल कारण है श्री जी बुलाना चाहती थी और कराना चाहती थी, बोले यहाँ ब्रजवास। वैसे तो भजन हो तो कहीं पर भी रहो, और जिसे भजन ना हो यहाँ के डेरा डाल दे, हाँ, तो उनके लिए सब व्यवस्था, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, सब श्री जी का काम है। यहाँ एक महात्मा आए तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ ब्रज में, सुना उन्होंने कि भाई ब्रज में कोई भूखा श्री जी किसी को रहने नहीं देते, पूरे ब्रज में ही। बिल्कुल। तो बोले आज देखते हैं। तो वो महात्मा आए और आके बैठ गए। तो उनके पास 5 रुपए थे। तो बोले मैं पाऊंगा नहीं। तो श्री जी आई, बोले कि बाबा या तो इन पैसों का लाके कुछ खा लो, नहीं तो इन पैसों को फेंक दो। स्वयं श्री जी आए श्री जी ने बालिका के रूप में श्री जी आई। बाल रूप में और श्री जी आए। तो महात्मा ने पैसे फेंक दिए। थोड़ी देर में श्री जी थाल लेके आए, बोले लपा बाबा। तो यहाँ किसी को भी, चाहे कोई कुत्ता बिल्ली, कोई ऐसे कुत्ता बिल्ली कोई है ही नहीं, सब यहाँ चतुर्भुज है इस ब्रज में। तो सबका ध्यान श्री जी रख दिए, जिसके कहीं गुजारा नहीं है उनका श्री जी के दरबार में गुजारा है। बाबा, आपके उस गृहस्थी जीवन में जब आप रहते थे, तो कोई एक ऐसा संदेश हुआ श्री जी की कृपा, या फिर कोई स्वप्न आया कि मुझे भक्ति करनी है, इस भक्ति रूपी संतों के साथ रहना है? ये संतों का चरित्र सुन सुन के, अच्छा, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का, संतों का चरित्र सुन सुन के, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो उनके कल्याण की पुस्तक, उनका सुन सुन के भगवान की करुणा, भगवान की कृपा आदि सुन सुन के, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा तो श्री जी की कृपा से, संस्कार तो संतों होता की है, नहीं तो कृपा ब्रज से। कहाँ मिलता है? संतों का सानिध्य मिलना बहुत मुश्किल होता है।
बाबा जब अपना घर त्यागा था तब उम्र कितनी थी? अब मेरी उम्र है 31 वर्ष। 31 वर्ष और 10 साल हो गए बचपन, मतलब 20-21 वर्ष में। तो बाबा कोई पढ़ाई भी की थी? हाँ, मैं 11 तक वहाँ पढ़ा। 11 तक पढ़े, फिर यहाँ आके मैंने संस्कृत से 11-12 उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, फिर 3 साल शास्त्री, फिर 2 साल आचार्य। आचार्य तो बाबा इतने वर्षों से बरसाना धाम में रहे, श्री जी हर जगह कृपा करती है, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जगह श्री जी का वास है। लेकिन श्री जी की कोई ऐसी अद्भुत लीला अवश्य हुई होगी, वो हम सभी भक्त सुनना चाहते हैं कि श्री जी ने कोई तो कृपा की होगी इन 10-11 वर्षों के दौरान। कृपा 10-11 वर्षों की कौन की, श्री जी वैसे तो अपनी ओर देखें तो हम तो एक अन्न के दाने के लायक नहीं है, लेकिन श्री जी कृपा है नहीं, कृपा श्री जी की बरस रही है कि हम जैसों को भी उन्होंने अपने गोद में, ये धाम है, ये श्री जी की गोद है, ये कोई सामान्य नहीं है। और जिसको कभी हमको भगवान की प्राप्ति, तो जिसने धाम का वास कर लिया तो साक्षात ठाकुर जी की गोद में बैठा है, तो इससे बड़ी कृपा और इससे बड़ा चमत्कार तो हम कुछ मानते ही नहीं है कि जिस धाम के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ना जाने कितने ब्रह्मा बदल गए, इतने वर्षों तक तपस्या करने वाले चाहते हैं हमको ब्रजवास मिले और वो हमने वो हमको श्री जी ने कृपा करके दे दिया, तो इससे बड़ा चमत्कार और इस धाम में भी संतों का वास, सत्संग है, ये जो श्रवण का लाभ है, ये तो श्री जी की कृपा नहीं, अतिशय कृपा है श्री जी की। बाबा जैसे बहुत सारे भक्त कहते हैं श्री जी हमें नहीं बुलाती, तो वो ऐसा क्या करें जो श्री जी उन्हें निरंतर बुलाती रहे, अपने दर्शन कराती रहे? देखो भाई, श्री जी तो बुलाती है, श्री जी तो किसी को भूल ही नहीं सकती। यदि ठाकुर जी किसी को भूल जाएं तो इस संसार में कोई है ही नहीं जो जीवित रह सके, ये भूल नहीं सकते हैं। भले ही बेटा कितना भी दूर चला जाए, लेकिन माँ को याद रहती है, उसकी हर समय याद रहती है कि मेरा बेटा कैसा है क्या नहीं, हर समय उसको याद रहती है। तो ऐसी श्री जी किसी को भूल नहीं सकती है, लेकिन श्री जी तो बुलाती है, बार बार प्रेरणा करती है या किसी के माध्यम से करें चाहे, लेकिन हम ही उस बात को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जब से देखते हैं बोले चलो तुम्हारी यहाँ इच्छा है, तुम यहाँ रहो, हमको क्या दिक्कत है, यदि तुम वहाँ प्रसन्न हो तो रहो और नहीं तो फिर आ जाओ, मेरा द्वार खुला है। जिसको कहीं गुजारा नहीं, जो दुनिया जिसको ठुकरा देती है, वहाँ श्री जी उसको हृदय से लगाती है, उनको अपनाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री जी बहुत करुणामयी सरकार है बाबा, हर कोई यही कहता है श्री जी नहीं बुलाती, श्री जी बुलाती सबको है, कृपा सब पर करती है। लेकिन बाबा जब लोग परेशान रहते हैं इस मनुष्य जीवन में, वो अपने मन को कैसे शांत करें? भक्ति में तो खैर है मन, लेकिन मनुष्य गृहस्थी जीवन में इंसान कई कारण से परेशान रहता है, लेकिन वो ऐसा क्या करे जिससे उसका मन भक्ति में लगे? परेशान ना तो कोई दूसरा परेशान कर सकता है, परेशान मनुष्य स्वयं होता है, स्वयं होता है, परेशान करने से कोई नहीं होता है। कोई आपको कोई अपमान किया लेकिन हम उससे ज्यादा हम अपमानित स्वयं होते हैं, अपमान करने दूसरा अपमान करेगा उतना नहीं होगा, लेकिन हम स्वयं अपने आप का ज्यादा अपमानित करते हैं अपने आप को, ऐसे हम स्वयं ही अपने आप को परेशान करते हैं। कोई दूसरा किसी, ये कुर्सी है, ये जड़ है, तो ये क्या किसी को परेशान कर सकती है? नहीं कर सकती, ये तो जड़ है, इसको चाहे आप जान रख दो, पटक दो, तोड़ दो, कुछ भी नहीं कर सकती। संसार की कोई भी चीज किसी व्यक्ति को ना तो सुख दे सकती है, ना दुख दे सकती है, ना परेशान, कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा अपना मन ही है वो संकल्प विकल्प करके उसमें बोले अरे इसके ये हो, इसके कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया, ये मन के कारण ही, मन संकल्प करता है, बोले ये हो गया कि वो हो गया कि इससे हो गया कि उससे हो गया, ये सब मन का ही है। बाकी परेशान वैसे तो सब परेशानियों का समाधान है एक, कि भगवान की चरणारविंद का आश्रय है। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं होगा, चाहे कहीं भी चला जाए, तीनों लोकों में कहीं घूम आए, उसको शांति नहीं है। और भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो फिर उसकी सारी समस्या वहीं। पांडवों ने भगवान का आश्रय लिया तो उनके लिए जहर भी अमृत बन गया, मीरा जी ने भगवान का आश्रय लिया जहर अमृत बन गया, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का आश्रय लिया
तो उनके लिए सब जितनी प्रतिकूल परिस्थिति वो अनुकूल बन गई। जहाँ लोगों को मौत दिखाई देती वहाँ उनको भगवान दिखाई देते, जिसमें लोग मौत देखते वहाँ उनको भगवान दिखाई देते। जिन नामदेव जी, भूतों के नाम से लोग डरते हैं लेकिन नामदेव जी ने भगवान का आश्रय लिया, जो भूत में भी भगवान के दर्शन हो गए। तो ये तो हम स्वयं यदि चाहें तो, जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं कि जो जैसा जिस प्रकार से मुझे भजता है तो मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसी को वैसा भजता हूँ। तो किसी भक्त ने कहा कि भाई यदि आप ही जैसा जिस गति से हम भजेंगे, यदि उसी गति से आप भजेंगे या उसी गति से आप हमारी ओर आएंगे, तब तो हो गया हमारा कल्याण। हम तो दो पग चलेंगे चार पग वापिस चलेंगे, तब तो हम आप तो आ ही नहीं सकते। तो भगवान बोले कि देखो भाई, गणित तो वही होगी, आप दो पग चलोगे तो मैं भी दो पग ही चलूंगा, लेकिन मेरा पग चलना बलि महाराज से पूछ लेना। भाई महाराज बलि के एक पग से पूरी धरती माप लिया, दूसरे स्वर्ग, तीसरा सब, तीन पे में सब पूरा कर दिया। तो यदि तुम दो पग रखोगे तो मैं दो पग रखूंगा, तुम कहाँ रहोगे, आ गए। तो भगवान की तो करुणा कृपा का, श्री जी की करुणा कृपा का तो क्या कहना, कि वो तो जीव पर निरंतर बरस रही है। और श्री जी की करुणा कृपा से ही यहाँ धामे जो प्रसन्नता है, ये श्री जी की करुणा कृपा से ही है। क्योंकि अब धामे यहाँ आ गए तो अब कोई टेंशन नहीं है। जैसे पतल पंगत में पतल गिर जाती है तो ये आस रहती है, भाई यार पतल आ गई तो अब तो कुछ खाने को मिलेगा ही मिलेगा। अब धामे वास दे दिया, समझो पतल गिर गई, पतल गिर गई तो अब कुछ ना कुछ दाल भात मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब यही है, सोच के यहाँ पड़े हैं। धाम में आकर तो संतों के दर्शन होंगे, ब्रजवासियों के दर्शन सब होंगे, स्वयं ठाकुर से मिलन होगा। तो धाम वास हो गया तो सब मतलब पूरी भूमिका बन गई। अब पूरी भूमिका तो एक लीला, आप संतों के साथ में रहें, जरूर संतों को श्री जी की कृपा होती है। श्री जी जैसे उन संत को स्वयं श्री जी भोजन देने कर देकर आए, उसी तरह कोई एक लीला बस दो तीन मिनट की हम सुनना चाहते हैं। एक बार हम और हमारे दो गुरु भाई और थे, तो हम यहाँ श्री जी के दर्शन करके और नंद गाँव गए। तो उस समय भिक्षा मांग के खाते थे। अच्छा। तो एक गुरु भाई और थे, तो वो बोले कि भाई हम तो बोली भूख लगी है क्या करें। तो हमने कहा भाई चलो मांग लाते यहीं नंद गाँव में से। तो तब तक हाँ तो मधुकरी का समय हुआ नहीं था, तो बोले यहीं दर्शन कर लिए, तो वहीं नंद महल में कुर्सियों पर लेट गए। तो वो बोले अरे हमको तो भूख लगी है। तो हमने कहा यदि हमने ठाकुर जी से कहा देखो हम तो बरसाना चाहिए हैं, यदि तुमको अपनी लाज बचानी हो तो खिला दो, नहीं तो हम जाके कह देंगे हम तो वहाँ गए कुछ नहीं दिया हमको खाने को। तो हम ऐसा कहे और फिर आके बैठे। फिर हम दो गुरु बैठे, एक तो वहीं बैठे, दो हम ऐसे निकले। इतने में एक आए बोले बाबा प्रसाद पाएगा, तो वो दूसरे गुरु भाई थोड़े से आगे निकल गए। अब ना तो हम उनको जानते वो कौन थे कौन नहीं, बोले बाबा प्रसाद पाएगा। हमने कहा बोले ले आ जा। तो इतने में हम उनको बुला ले, उनको उन्होंने भर के दे दिया। थोड़े से बाहर निकले बाबा, ओ बाबा ले और प्रसाद पा ले। तो बोले वहाँ बोले तो एक जगह तो एक मैया ने प्रसाद भी पवाया और बांध के दे दिया, बोले ले जा। तो ये तो होती रहती है ऐसी कृपा तो बहुत होती है, स्वयं साक्षात ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि आप तो बरसाना धाम से गए। तो ये तो शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है, सब संतों पर है, इस रहने वाले सब जीवों पर शिव जी कृपा है। बिल्कुल कृपा है बाबा। बरसाना गाँव में, बरसाना में कैसा आनंद लगता है, अगर कोई बरसाना आता है जैसे आप जो महसूस कर रहे हैं बरसाना का, वो कैसा है? वैसे तो बरसाना में आके ऐसा लगता है कि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, पहुँच गए। भाई जैसे कोई सोचते हैं भाई घर बार छोड़ के भाई चलते हैं, भाई चलो हमारे एक लक्ष्य होता है, बोले वहाँ जाना है, जो तो वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच गए हम। अब बाकी काम क्या करना वो श्री जी के जाने, वो श्री जी जाने। लेकिन बरसाना संतों के दर्शन परिक्रमा कितना अद्भुत आनंद है, ये तो हर पल हर पल आनंद ही आनंद है। महाराज जी सच में बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सुंदर लीला बताई आपने। देखिए महाराज जी ने कितनी सुंदर लीला हमें सभी भक्तों तक शेयर की कि साक्षात ऐसे संतों पर श्री जी ने कृपा करी कि श्री जी खुद भोजन देने के लिए आए, बाबा के लिए स्वयं ठाकुर जी नंद बाबा को अपनी लाज बचानी थी, क्योंकि बाबा बरसाना से आए इसलिए नंद गांव से बाबा को जो भोजन प्रसादी मिला। इतनी बड़ी कृपा होती है इस ब्रज में, बरसाना तो सच में यहाँ लीलाओं का केंद्र है, बरसाना ब्रज की राजधानी है। इसी तरह जो बरसाना में आता है आनंद ही आनंद पाता है। तो सभी भक्तों को राधे राधे।
और ऐसे ही हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे श्याम।